एक इंतहाई खूबसूरत सुबह हाली जी के मुकाम पर बादल छाए हुए, मानसून का मौसम है, बरसात की प्रेडिक्शन है और इस वक्त हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए निकल गए हैं। हल्की हल्की रोशनी है, यानी कि इतनी जितनी हमें रोशनी चाहिए होती है स्पेशली वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए, अभी इतनी है नहीं, मगर फिर भी हम लोग निकले हैं परिंदों के नज़ारे देखने। ये देखें, यहाँ के बैठा ग्रेटर कोकाल आप लोगों के लिए। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में उतरते हैं आप, बर्ड वॉचिंग करते हैं, बर्डिंग करते हैं, हर गुज़रते सेकंड के साथ, हर गुज़रते लम्हे के साथ फ्रेम में जो है चेंजेस आ रही होती हैं, जो आप अपने स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे होते हैं ना, ये मशगला जो है, ये शौक़, ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत मज़ेदार भी है। और इसके लिए जाहिर सी बात है फिर आपको उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखें, ये उड़ते हुए जा रहे हैं कुछ परिंदे, मैं इनकी आपको कुछ क्लोज़अप में शायद तस्वीर लिए वो भी मैं दिखा दूंगा ताकि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकें और आप लोगों को पता चले कि इतने खूबसूरत परिंदे यहाँ पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे कैमरे की आग उनको कहाँ दिखा रही है, हम करते हैं बड़े लेंसेज के साथ, प्रोफेशनल कैमराज के साथ, कि हम आप लोगों को परिंदों के जो है बेहतरीन मनाजिर पेश कर सकें। और ये इतना आसान नहीं होता, और आपको पता है कि आजकल के हालात में इतने भारी और इतने बड़े कैमराज को लेके चलना निकलना, अल्लाह पाक से हम बहुत दुआ करके निकलते कि भाई अल्लाह पाक साथ खैरियत के साथ लेके जाए, लेकर आए, कोई मुश्किल परेशानी ना हो। तो कंटिन्यू है हमारा ये सफ़र हाली जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बर्ड वॉचिंग का। व्यूअर्स, हाली जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो परिंदे हैं वो कीड़थर में नहीं पाए जाते, क्योंकि दोनों जगह के जो हैबिटेट है वो मुख्तलिफ है। तो मैं यहाँ आपको आज वो परिंदे दिखाऊंगा जो हम कीड़थर में नहीं देखते, और उनको हमें ख़ास देखने के लिए हाली जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ठट्टा के इलाकों का रुख करना पड़ता है। व्यूअर्स, ये स्ट्रेटेड बैबलर है, लाइफर तो नहीं है, लाइफर है, लाइफर है आपका, लाइफर है, नहीं नहीं मुझे मिला हुआ है, ब्रिटन, हाँ, ब्लैक ब्रिटन, पर्पल स्वैम्प हैन, ग्रेटर कोकाल, येलो बेलेट प्रीनिया। नाज़रीन, ये खास ठट्टा साकरो हाली जी के इलाके में पाई जाती है। वाइट ब्रेस्टेड वाटर है, ये जल मुर्गी है जो पानी में पाई, पाइट किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर, स्ट्रीट वीवर, स्ट्रीट थ्रोटेड स्वैलो, फेशन टेल जकाना। नाज़रीन, ये परिंदा बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है, सिंध के इंतहाई खूबसूरत तरीन परिंदों में उसका शुमार होता है। वेयर्स, ये रेड वेंटेड बुलबुल का जोड़ा, पॉटेड ओवलेट, ये देखें रीड वैबलर, बहुत मुश्किल तरीन काम है वेबलर की फुटेज बनाना, बड़े मुश्किल से ये मौका हाथ आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि झाड़ झुकाड़ फोकस कितना मुश्किल हो जाता है इसमें करना। अब ये देखें, और ये मुसलसल वेबलर की आदत है, इधर से उधर फुदकते रहते हैं, अब ये गायब हो गया, अब क्या बनाएंगे आप वीडियोज़ की। पाइड बुश चैट, सिंध का इंतहाई खूबसूरत परिंदा, लेसर फ्लेमबैक वुड पैकर। अच्छा, हाली जी पे पहले हमने लाल रेड अवदाद छोड़े थे, अभी मैंने उनको ढूंढा, अफसोस कि उनका कोई पता नहीं लगा, मगर फिर भी हम यहाँ पे हैबिटेट को देखते हुए हमारे दोस्त, स्पेशली हमारे दोस्त खावर खान, वजात मसरूर, खुर्रम मसूद, राव अब्दुल वदूद, मूबी, आमिर भाई, असद फारूक, स्नैक्स लेकर आए कुछ रेस्क्यू किए हुए जो यहाँ पे इस हैबिटेट में, इस माहौल में छोड़ रहे हैं। ये देखें, ये स्नेक को हम छोड़ने जा रहे हैं। डर लग रहा है वदूद, कब्र में आएंगे, झूठ मत बोलना। वाइल्ड रिलीज करने जा रहा भाई, ये राव अब्दुल वदूद, वदूद इन दी वाइल्ड इनका यूट्यूब चैनल है, ये इसको रिलीज करने जा रहे हैं डीआरडीएम स्नेक को। हाँ ना, तो हम पकड़ गए, हम पोछा छोड़ी है, ठीक है, ये हमने इसको कुदरती माहौल में छोड़ दिया, उसको आजाद कर दिया, जंगल की चीज जंगल का वापस, तो जा ही नहीं रहा। रफ स्केल्ड सैंड बॉ, मिमिक्री करता है रसल वाइपर की, मगर होता नहीं है। हमारे आज के ट्रिप का अख्तिताम हुआ 8:10 पर, अब हम लोग वापस रवाना हो रहे हैं घर की तरफ, फिर इंशाल्लाह ताला किसी और एडवेंचर के साथ हाजिर होंगे अराउंड सुहेब पे, आप लोगों को दिखाएंगे उस इलाके के परिंदे, उस इलाके की वाइल्ड लाइफ,
उस इलाके के एडवेंचर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।